तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है। मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए जो आपके बहुत काम आ सकती है। इससे पहले दोस्तों मैंने ऑफ स्टडीज पे भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैंने बकायदा एक प्लेलिस्ट तैयार की है, नहीं तो ये वीडियो खत्म होगी और इसके लास्ट में जो दो वीडियो आएगी उनमें से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रांसिस बेकन अपने इस ऐसे की शुरुआत एरिस्टोटल के वर्ड्स से करता है, Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god। मतलब जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो अकेले में खुश है, यानी उसे किसी दोस्त या साथी की जरूरत नहीं है, तो या तो वो एक जंगली जानवर है या फिर एक भगवान। तो ये लाइन कही थी अरस्तु ने। और हमारे फ्रांसिस बेकन साहब कहते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह देना जिसमें सच और झूठ दोनों हैं। ये बात सच्ची है भाई, हमें जिंदगी गुजारने के लिए दोस्त तो चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल बात है। और जो बंदा ये सोचता है कि मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, तो वो उसके अंदर एक जंगलीपना है, वो ऐसा बोल करके दिखावा करता है। इसके बाद वो ऐसे कुछ दिखावटी लोगों के एग्जाम्पल्स देता है। ये हमारे सामने चार एग्जाम्पल्स हैं जो फ्रांसिस बेकन ने दिए हैं उन दिखावटी लोगों के। हाँ, किसी साधु महात्मा, किसी सिद्ध पुरुष में, किसी बड़े आदमी में अगर ये गुण पाया जाता है कि वो अकेले रहे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई मान सकते हैं। लेकिन ये लोग जो थे ये दिखावटी लोग थे। वो कहता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि अकेलापन क्या चीज है और इसकी क्या सीमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भीड़ में रहना चाहिए। एक लैटिन कहावत है, मैग्ना साइवटेस मैग्ना सॉलिट्यूडो, मतलब जितने बड़े बड़े शहर उतनी ही ज्यादा वहां के लोगों में दूरियां। बेकन कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को दोस्त की कमी खल रही है, उसे दुखी दुखी सा एकदम अकेलापन सा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर अड़ा हुआ है, अभी भी वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसे दोस्ती की जरूरत नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, तो वास्तव में वो एक जंगली ही है, वो मनुष्य के बीच का है ही नहीं। अब दोस्तों यहां से बेकन तीन फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप, थ्री फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप की बात करता है। तो फ्रेंडशिप का जो प्रिंसिपल फ्रूट है, यानी कि फर्स्ट फ्रूट, वो क्या है? तो दोस्तों जैसे बॉडी की अलग अलग बीमारियां होती है जो कि बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होती है, जैसे दिमाग की, लिवर की, स्प्लीन की, लंग्स की, तो इन सबको खोल करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन हार्ट को नहीं खोला जा सकता, हृदय जो है, दिल जो है, इसको नहीं खोला जा सकता। एक सच्चा दोस्त ही तुम्हें हार्ट में छुपे हुए दुख, सुख, डर, ये जितनी भी फीलिंग्स तुम्हारे हृदय के अंदर है, तुम्हारे दिल के अंदर है और उसे ऑप्रेस कर रही है, तो एक सच्चा दोस्त ही उन फीलिंग्स को बाहर लाने में मदद कर सकता है। कितनी अजीब सी बात है कि बड़े बड़े राजाओं ने भी इस फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप को चखा है, चाहे खुद की सेफ्टी के लिए या ग्रेटनेस के लिए। आपने देखा होगा राजा लोग भी अपने नीचे रैंक के लोगों के साथ दोस्ती करते थे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और रोमन में ऐसे सर्वेंट्स को जो लोग राजाओं से दोस्ती करते थे, ऐसे सर्वेंट्स को एक नाम दिया गया है, पार्टिसाइट्स क्यूरायम, जिसका मतलब होता है पार्टनर्स ऑफ केयर्स। तो ऐसे लोग राजाओं के साथ रहते थे, यहां तक कि एक दूसरे को नाम लेकर के बुलाते थे और ऐसे वर्ड्स यूज करते थे एक दूसरे को बुलाने के लिए जो सिर्फ प्राइवेटनेस में ही यूज किए जा सकते थे। इसके बाद ऐसे कुछ राजाओं के एग्जाम्पल देता है यहां पे फ्रांसिस बेकन। सबसे पहला एग्जाम्पल देता है एल सिला का। तो एल सिला ने, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एल सिला एक रोमन कंसल था, उसने पॉम्पे नाम के एक आदमी को अपने बराबर रखा, जो कि उससे नीचे की रैंक का था, उसने अपने बराबर रखा, लेकिन पॉम्पे खुद अहंकार से भर गया और खुद को बड़ा समझने लगा और वो एल सिला के खिलाफ चला गया। दूसरा एग्जाम्पल देता है जूलियस सीजर का। अगर आपने जूलियस सीजर का नाम सुना है और आपने पढ़ी है जूलियस सीजर की स्टोरी, तो आपको पता होगा कि जूलियस सीजर का एक बहुत ही वफादार था ब्रूटस। तो ब्रूटस की जूलियस सीजर ने परवरिश की, अपना दोस्त माना और इतना मानता था वो ब्रूटस को, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ क्या किया, उसने उसको, जूलियस सीजर को ब्रूटस ने मार दिया। तीसरा एग्जाम्पल देता है ऑगस्टस का, जिसने एग्रिपा को इतना महान बना दिया था
इस एग्रिपा का भी ऑगस्टस पर बहुत प्रभाव था। चौथा एग्जाम्पल देता है टाइबीरियस सीजर और सेजनस का, और पांचवा एग्जाम्पल देता है सेप्टिमस और प्लाउशनस का। सेप्टिमस तो अपने दोस्त के पीछे इतना पागल था कि इसने कई बार अपने बेटे तक की बेइज्जती कर दी पब्लिक में इसके लिए। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल दिए फ्रांसिस बेकन ने। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने सर्वेंट्स अपने सर्वेंट से दोस्ती की, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग करुणामय थे, बल्कि इन लोगों के पास क्या नहीं था, पत्नी थी, बच्चे थे, भतीजे भतीजियां थी, लेकिन क्या नहीं था, तो एक दोस्त नहीं था। और दूसरी तरफ ये कॉमिनस और पाइथागोरस जैसे लोगों ने अपनी बातें अपने तक ही रखी और कोई दोस्त नहीं बनाया। तो दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे हमें बेकन ने। तो ये फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी बात को शेयर करना किसी के साथ में, इससे सुख बढ़ता है और दुख कम होता है। अब दोस्तों दूसरा फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप क्या है? तो फ्रांसिस बेकन कहता है कि एक दोस्त जिंदगी में प्रकाश की किरण की तरह काम करता है, सलाह देने का काम करता है एक दोस्त, यह है दूसरा फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। कभी कभी हमें जिंदगी में सलाह की जरूरत पड़ती है, हमारे दिमाग में कई सारे विचार घूमते रहते हैं, और ऐसे में हमें एक फ्रेंड की सलाह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थेमिस्टोक्लिस ने किंग ऑफ पर्सिया से कहा कि विचार जो है वो एरेस के कपड़े की तरह है, जब तक खुलकर लोगों के सामने नहीं आते तब तक इनकी खूबसूरती का पता नहीं चलता। दोस्तों दोस्त की सलाह की बात करते हैं, अगर कोई दोस्त आपको सलाह देने लायक नहीं है तो ऐसे दोस्त भी जरूरी हैं। फ्रांसिस बेकन कहता है कि ऐसे दोस्त उस पत्थर की तरह होते हैं जिसको रगड़ने से चमक आ जाती है आपके विचारों में, मतलब अपने विचारों को एक पत्थर के साथ ही बांट लो, ठीक है, यही है सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्तों सलाह जरूरी होती है, और ऐसी सलाह जो दूसरे से मिलती है, क्योंकि अगर हम खुद को खुद ही सलाह देंगे तो उसमें चापलूसी मिली हुई होगी, चापलूसी करेंगे, लेकिन आपका दोस्त आपको फ्री होकर के सलाह दे सकता है, और दोस्त आपको पर्सनल और प्रोफेशनल टाइप की, दोनों टाइप की सलाह दे सकता है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। एक दोस्त हमें हमारी गलतियों के बारे में बताता है। आपको एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे बेकन ने कि बड़े बड़े लोग भी नुकसानदायक बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सलाह देने वाला नहीं होता। प्रोफेशनली भी बहुत से लोग मानते हैं कि हमें किसी टाइप की सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो टुकड़ों में सलाह लेते हैं, किस्तों में सलाह लेते हैं, थोड़ी इससे ले ली, थोड़ी उससे ले ली, तो वो चीज कभी कभी तो बेनिफिशियल होती है लेकिन अधिकतर खराब रहती है, क्योंकि वो सलाह आपको सही नहीं मिलेगी। एक ही आदमी से सलाह लो, और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से। अब दोस्तों इसके बाद फ्रांसिस बेकन तीसरे फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में बताता है एक अनार का एग्जाम्पल देके, कि अनार में जितने दाने होते हैं उतने ही फ्रेंडशिप के फायदे भी हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आदमी खुद नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके पास एक दोस्त है तो इवन आपकी मृत्यु भी हो जाए तो मृत्यु के बाद में भी आपका दोस्त आपकी कई इच्छाएं बाकी रह जाएगी तो उसे पूरा कर सकता है। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन कहता है कि व्यक्ति के बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जैसे पिता का, पति का, भाई का, दुश्मन का। तो एक पिता है तो पिता की तरह बात करेगा, पति है तो पति की तरह बात करेगा, दुश्मन है तो दुश्मन की तरह बात करेगा, लेकिन अच्छा दोस्त आपको इन परिस्थितियों में काम आ सकता है। दोस्तों वो आप अगर किसी से इनमें से किसी से भी बात नहीं कर पाओ तो अच्छा दोस्त आपके लिए इनसे बात कर सकता है, और ऐसे ही दोस्ती के बहुत से फायदे हैं। अगर हम जिंदगी के प्ले के अंदर अपना किरदार ढंग से अदा नहीं कर पा रहे हैं तो एक दोस्त हमारे काम में आता है। और यहाँ पे फ्रांसिस बेकन एक आखिरी नोट के साथ अपनी बात खत्म करता है कि जिस किसी के पास भी सच्चा दोस्त नहीं, उसे ये स्टेज, जिंदगी का स्टेज जो है, ये छोड़ देना चाहिए।